कुंभापुर नाम के गांव में छोटूलाल नाम का एक दूध का व्यापारी रहता था। छोटू के पास काफी सारी गाय और बैल थे। वो अपने गायों से दूध का व्यापार करता था और बैलों से खेत का काम करता था। इसीलिए वो हमेशा फायदे में रहता था और गर्व से जीता था। क्या बात छोटूलाल, आज सुबह सुबह खेत जा रहे हो? नहीं तो क्या, तुम्हारे तरह सब काम छोड़कर घर में बैठ जाओ। ये कौन सा तरीका है, मैंने ऐसा क्या कह दिया? हाँ, फिर तुम्हारे तरह होता तो मैं आज इतने पैसे कैसे कमाता। वैसे भी मुझे तुम जैसों से बात करने की जरूरत नहीं है, जा यहाँ से। ऐसे बड़ी बदतमीजी से बात करने के बाद वहाँ से चला जाता है छोटूलाल। छोटूलाल का ऐसा ही बर्ताव था। वो सिर्फ उस आदमी से नहीं, गांव में सभी से ऐसे ही बात करता था। सारे गांव में छोटू की गाय की सबसे ज्यादा सेहतमंद थी, इसीलिए गांव में सभी लोग उसी के पास से दूध, दही और घी खरीदने के लिए आते थे। इसीलिए छोटू को इतना घमंड था। ऐसा होने के बावजूद छोटू बहुत ही गुस्से वाला आदमी था। इसीलिए ना तो उसके कोई रिश्तेदार थे, ना ही कोई दोस्त, ना ही बंधु। वो अकेला ही रहकर पैसे कमाता रहता था। इन गायों को चारा डालकर मैं मर रहा हूँ। इन सब में इस गर्भवती गाय को सिर्फ हरा घास ही चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए। ये कहते हुए बिना वजह उस गाय को जोर से मारता है और वो गाय दर्द से जोरों से चिल्लाने लगती है। हाय माँ, चोट लग गए। मैंने क्या किया है मालिक, क्यों मार रहे हो? गर्भवती हो तो क्या हुआ, दूध नहीं दे रही हो, कुछ नहीं खा रही हो, लेकिन आवाज जोरों से निकल रही हो। ये कहते हुए फिर से उस गाय को मारते हुए वहाँ से चला जाता है। ऐसे एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, हर रोज दूध नहीं दे रही है, इस वजह से मारता रहता था छोटू। कुछ दिन सबर कर लीजिए मालिक, मेरे बच्चे का जन्म होते ही मैं हमेशा की तरह दूध दे दूंगी मालिक। ये कहते हुए अपने आप में दुखी होती रहती है वो गाय। छोटू अब वो गाय किसी काम की नहीं रही, ये सोचते हुए उसे घास डालना भी बंद कर देता है। मैं हरा घास नहीं खाऊंगी तो मेरा बच्चा स्वस्थ कैसे रहेगा मालिक, मुझे हरा घास लाकर दीजिए। मेरे एक पैसे के काम नहीं आते हो, फिर भी घास लाकर डाल रहा हूँ तो इतने नाटक कर रहे हो। ये कहते हुए उस सूखे घास को भी वहाँ से हटाकर लकड़ी से मारता है। वो गाय लंगड़ाते हुए चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ जाती है। ऐसे समय में एक दिन, अरे वाह, लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी से खेत का काम खत्म कर लूँ तो खेत में बीज डाल सकता हूँ। ये कहते हुए अपने बैलों के साथ खेत के लिए निकलता है। लेकिन इतने में ही बारिश शुरू हो जाती है। अरे इस इफ्लास पानी को भी अभी शुरू होना था क्या, थोड़ी देर रुक आता तो क्या होता। चिचिचिचे। ये कहते हुए बारिश होने के बावजूद अपने बैलों को लेकर हाल चलाते रहता है। देखते ही देखते बारिश बढ़ती चली जाती है। कुछ भी हो जाए लेकिन छोटूलाल अपना काम नहीं रोकता। ऐसे ही वहाँ से गुजर रहा एक आदमी। ओए छोटूलाल, ये बारिश नहीं रुकने वाली है, ये एक तूफान है, घर चले जाओ। अपने काम करो चाचा, तुम्हारे जैसे काम से बचाने वालों के बहाने बहुत सुनी है, तूफान नहीं कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। ये कहते हुए उस आदमी पर भी भड़क जाता है छोटूलाल। उस आदमी ने अपनी कोशिश कर ली थी, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। इतने में उस आदमी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही बारिश भर जाती है और खेत डूबने लगते हैं और छोटूलाल उसी कीचड़ में फंस जाता है।
बचाओ बचाओ, मैं यहाँ पर डूब रहा हूँ, मुझे कोई तो बचाओ। ऐसे कितना चिल्लाने पर भी उसकी आवाज सुनने के लिए वहाँ आसपास कोई नहीं था। अरे मेरे अच्छे के लिए चाचा जी ने जो कहा था उस बात को सुने बिना मैंने जो गलती की है मुझे उसकी सजा मिल रही है, अब शायद मेरा ताय है। ये कहते हुए रोने लग जाता है छोटू लाल। इतने में उस तबेले में खड़ी वो गर्भवती गाय, अरे ये तो बहुत ही बड़ा तूफान है, पता नहीं मालिक कहाँ होंगे, ऐसे तूफान से तो गांव भी डूब जाएंगे, मालिक सुरक्षित होंगे भी या नहीं। ऐसे घबराते हुए चोट लगने के बावजूद हिम्मत जुटाकर अपनी रस्सियों को बड़ी मुश्किल से तोड़कर उस पानी के बहाव में तैरते हुए छोटूलाल जिस खेत में है वहाँ पर जाती है। वहाँ पर छोटूलाल को डूबते हुए देखकर, मालिक मैं आ रही हूँ, मैं आपको बचा लूंगी, घबराइए मत। ये कहते हुए तैरते हुए जाकर बड़ी मुश्किल से छोटूलाल को बचाकर किनारे पर लेकर आती है। उसके बाद वो अपने मुंह से छोटूलाल को उठाने की कोशिश करती है। बहुत देर बाद छोटूलाल होश में आता है। हमेशा गुस्से में रहकर उसे लकड़ी से पीटने वाला छोटू की जान उसी गर्भवती गाय ने बचाई है। ये बात जानकर, तुम गर्भवती हो ये बात जानते हुए भी मैंने तुम्हारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया है, लेकिन तुम ही ने आज इंसानों देखकर मेरी जान बचा ली है, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? ये कहते हुए उस गाय को गले लगा लेता है छोटूलाल और उसी गाय के साथ तैरते हुए वापस घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद तूफान भी थम जाता है। तब से छोटूलाल अपने गुस्से और अहंकार को छोड़कर सबके साथ अच्छे और प्यार से बर्ताव करने लगता है।